ऑनरेबल प्रिंसिपल टीचर्स एंड माय बिलोव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स गुड मॉर्निंग टू यू ऑल आई एम सिलम निशा ऑफ क्लास 8 ए आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट नेशनल स्पोर्ट्स डे इन फ्रंट ऑफ यू द नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29th August द नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड टू द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हॉकी लेजेंड ध्यान चंद World of the Indian hockey team that dominated the sports in the years before World War II, the prolific Dhyan Chand played a role in India's 3 consecutive gold holds at the Olympic Games in 1928, 1932 and 1930. Such as Dhyan Chand's mastery of the game and so dazzling was his ball control that he earned the epithets hockey wizard and the magic Dhyan Chand started playing hockey seriously during his stint with the British Indian Army and between 1922 and 1926. He competed in numerous army hockey tournaments and regimental games. Known as the Wizard or the Magic Chand of hockey for his super ball control, Chand played internationally from 1926 to 1949. He scored 750 goals in 185 matches according to his biography. The Government of India awarded Chand India's third highest civilian honor of Padma Bhushan in 1956. His birthday, 29 August, is celebrated as National Sports Day in India every year. India's highest sporting honor Major Dhyan Chand Khel Ratna awarded in named after him. Happy morning, dear students. I hope you are doing absolutely awesome. So, friends, today I would like to wish you all a happy National Sports Day. So, if we talk about the sports, we will see that the time when the human civilization begin, sports is also begin with that time. In our Ramayana, Mahabharata, we will see the archery, wrestling, horse riding. These were the popular sports. And if we talk about the present scenario, we will find that it is very important in our daily lifestyle. Because it keeps us healthy and happy too. Like how? When we involve in any kind of physical activities or any kind of games, what happens? It helps to stimulate the release of dopamine hormone, which changes our mood. So, in our daily lifestyle, we should give at least 30 to 45 minutes to any kind of physical activities or sports. So, thank you very much. खेल से विकास होता है खेल भावना का और खेलों से राष्ट्रीय भावना का विकास होता है राष्ट्रीयता से जागृत होती है राष्ट्र प्रेम की भावना बलिवती होती है देश प्रेम की भावना नमस्कार आप सभी को सम्मानित प्राचार्य महोदय आदरणीय प्रधानाध्यापक एवं मेरे साथियों आज राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर आप सबको हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन आज के दिन से जुड़ी हुई है एक महान व्यक्ति की कहानी जिन्हें हम हॉकी का जादूगर या द विज़र्ड के नाम से जानते हैं हाँ ये महान शख्सियत और कोई नहीं हमारे विश्व प्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी श्री ध्यानचंद जी हैं उन्हें फुटबॉल में पेले तथा क्रिकेट में ब्रैडमैन के समतुल्य माना जाता है बात 1936 बर्लिन ओलंपिक्स की है प्रतियोगिता से पूर्व भारत और जर्मनी के बीच एक प्रैक्टिस मैच हुआ जिसमें जर्मनी ने भारत को 1928 तथा 1932 के ओलंपिक्स विजेता भारतीय टीम इस हार से सदमे में आ गई उस समय जर्मनी के शासक एडोल्फ हिटलर थे जिन्हें इतिहास में एक क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है हिटलर जी को पूरा विश्वास था कि इस बार भी प्रैक्टिस मैच की तरह ही जर्मनी विजेता होगी इसलिए उन्होंने कई तरह के आयोजन भी किए थे बहुत सारे जर्मनी वासियों को बुलाकर वहां बिठाया था कि वो केवल खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करेंगे बहुत परिश्रम लगन और दृढ़ आत्मविश्वास के साथ भारतीय खिलाड़ी एकजुट हुए और 15 अगस्त 1936 को जर्मनी को 8-1 से हॉकी मैच में बुरी तरह हरा दिया पूरे खेल में हिटलर
मंत्र मुग्ध होकर ध्यानचंद जी की प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। साथ ही वह इस विचित्र प्रतिभावान व्यक्ति से मिलना भी चाहते थे। शाम को खेल के बाद मिलने पर उन्होंने ध्यानचंद जी से पूछा कि आप खेल के साथ और क्या करते हैं। उत्तर में तब ध्यानचंद जी ने कहा कि मैं सेना में नायक हूँ। तब हिटलर जी ने उन्हें यह प्रस्ताव दिया कि आप मेरी सेना में आ जाओ, मैं आपको फील्ड मार्शल बना दूंगा। उत्तर में ध्यानचंद जी ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक कहा कि भारत उनका देश है जिसे वह जान से भी ज्यादा चाहते हैं और मरते दम तक भारत के लिए ही। सभी को नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि 29 अगस्त को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्यों मनाया जाता है ये भी आप जानते हैं, क्योंकि इस दिन भारत के सबसे बड़े हॉकी के खिलाड़ी जिनकी अगुवाई में भारत ने कई स्वर्ण पदक जीते उनका जन्मदिन आता है। इस दिन राष्ट्रपति भवन में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा कई खेल से संबंधित अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम बदल करके इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड इत्यादि दिए जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज खेल दिवस पर मैं आपको अनुरोध करता हूं कि सभी बच्चे कम से कम एक खेल जीवन में जरूर अपनाएं और उसको जरूर खेलें, क्योंकि खेलने से न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपका माइंड, आपका दिमाग भी जो है वो स्वस्थ रहता है, और आप एक दूसरे की मदद करना और मदद लेना भी सीखते हैं। खेलने वाले बच्चे, स्पोर्ट्स, एक दूसरे की मदद करने वाले बच्चे वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं आ सकते। उनकी प्रोफिशिएंसी एकेडमिक्स में भी कई गुना बढ़ जाती है, वो कम समय में ही ज्यादा जो है लर्न कर सकते हैं, याद रह सकती है, उनकी मेमोरी भी बढ़ती है। तो इसलिए अधिक से अधिक, मतलब एक गेम आप जो है जरूर खेलें और रोजाना खेलें। अभी पेंडेमिक का समय है, हमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होता है, इसको अपनाते हुए भी कम से कम एक खेल खेलें और अपने शरीर को और अपने दिमाग को स्वस्थ रखें। अंत में मैं आप सबको राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।